जी आज का महा उपाय बेहद खास है। लोगों ने हमसे ये लगातार प्रश्न किए हैं पिछले कुछ दिनों में कि मादक पदार्थ मदिरा पान अर्थात शराब नशा, इस तरीके की जो गंभीर समस्या है, ऐसी बुरी लत है, उसको छुड़ाने के लिए कौन से मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे दो अलग अलग प्रयोग बता रहा हूं जिनका प्रयोग करके आप अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, मादक पदार्थ जैसी चीजों को आप रोक सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है। पहला मंत्र सुन लीजिए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत रक्ष शांतक। ये जो मंत्र है ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र को आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है, बहुत आराम से समझ लीजिए, लिख लीजिए और फिर उसका उच्चारण जो है गुरुवार के दिन से अर्थात आज के दिन से ही भगवान श्री राम की मूर्ति या प्रतिमा के समक्ष बैठ करके, मंदिर में बैठ करके आपको इसका जाप करना चाहिए। दूसरा जो मंत्र प्रयोग है, इसके प्रयोग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो चौपाई है ये रामचरितमानस की चौपाई है। इस चौपाई का प्रयोग करके आपको सुंदरकांड का संपुट पाठ करना है। अगर आप इस चौपाई का प्रयोग करके सुंदरकांड का संपुट पाठ करते हैं तो यूं समझ लीजिए कि 45 दिन के अंदर अंदर जो कोई बहुत पुराना भी अगर किसी की लत लगी है, कोई पुराना ड्रिंकर है, तो उसकी भी आप आदत को छुड़ा सकते हैं। वह व्यक्ति तत्काल ही अपनी इस आदत से मुक्ति पा लेगा। ये बहुत ही चमत्कारी चौपाई है। इस चौपाई का आपको संपुट प्रयोग करना है। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। इस चौपाई को घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति या जो भी व्यक्ति पीड़ित है, अगर आपकी कोई संतान पीड़ित है तो उसके माता पिता इसका जाप करें। वह संतान को अगर इस चौपाई के बारे में बताया जाए, वह सिर्फ इस चौपाई का जाप करे और पूरा परिवार उसके लिए संपुट पाठ करता है, तो सुंदरकांड के संपुट पाठ के साथ जितनी भी आपके घर में बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, वह व्यक्ति की जाती रहती हैं और व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छे संस्कारों से युक्त होता है। ये जो रामचरितमानस की मैंने आपको चौपाई बताई है, ये बुरी आदतें छुड़ा करके उत्तम संस्कार देती हैं और उसके साथ साथ बुरी आदतों के साथ आपके परिवार में और भी जितनी गंदी चीजें, जितनी नकारात्मकता आ गई है, क्योंकि जहां भी जिस भी परिवार में ऐसी किसी को लत लग जाती है तो वह परिवार दिनों दिन उत्तर उत्तर जो है वह बुराई की तरफ आगे बढ़ता है, अपने पराभव की तरफ आगे बढ़ता है। तो आप हर प्रकार की परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। ये चौपाई जो मैंने आपको दूसरे नंबर पर बताई बाद में, वो बहुत ज्यादा चमत्कारी है। पहले नंबर का मंत्र भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। इन दोनों मंत्रों का प्रयोग भगवान श्री राम के समक्ष बैठ करके ही किया जाना चाहिए। अलीगढ़ से भानु हमारे साथ जुड़े हैं। भानु, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरे पुत्र का डेट ऑफ बर्थ है 3/12/1987। जी। समय सुबह 4 बजे। जी। उसकी शादी के बारे में बात करनी थी। जी देखिए, इनके लिए विवाह के लिए तो अभी कोई बहुत अच्छा संयोग नहीं बन रहा है। इनके विवाह के लिए आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। इनके लिए अभी जो समय है वो अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाने का समय है। जहां तक आपने विवाह की बात पूछी है तो इस जातक के लिए अभी कम से कम 1.5 साल का समय विवाह का नहीं बनता है। कोई उपयुक्त इनके लिए स्थितियां नहीं बन रही हैं। तो अभी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा दबाव दे करके या बहुत जल्दीबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा इनके लिए परिस्थितियाँ बुरी आ सकती हैं। इनकी कुंडली में पितृदोष होने के भी लक्षण बनते हैं, पितृदोष की भी शांति करनी चाहिए। उसके साथ साथ यदि यह जातक स्वयं महादेव शिव की आराधना करता है तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगली कॉलर पुष्पा है नोएडा से। पुष्पा, अपना सवाल पूछिए, साथ ही डिटेल बताइए। मैडम नमस्कार, आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरी डिटेल है 14/6/51। जी। सुबह 7:08। जी। और स्थान दिल्ली। जी। आचार्य जी, मेरी कुंडली में अच्छा ग्रह कौन सा है, उससे मैं कैसे लाभ उठा सकती हूँ, और बुरा ग्रह कौन सा है जिससे कि मैं सतर्क रहूँ, और मेरी कुंडली में क्या कोई पूर्वाभास और आशीर्वाद लग जाए, ऐसा कोई गुण है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज ये समझिए कि कोई भी ग्रह अच्छा और कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। हर ग्रह की अपनी एक दशा होती है, उसका एक समय, उसका एक काल होता है जिस समय में आप उसका लाभ ले सकते हैं और जिस समय में आप किसी ग्रह के दुष्प्रभाव को झेल सकते हैं, तो उसको बचने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान समय में आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार शनि की महादशा चल रही है। शनिदेव आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उसके साथ साथ 8वें भाव के स्वामी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर ये कहा जाए कि भाग्य स्थान से बड़ी कोई दशा किसी जातक के लिए नहीं होती, तो ये बहुत अच्छा संयोग है आपके लिए। तो वर्तमान समय में तो शनिदेव ही आपके लिए सब कुछ है। ज़्यादा से ज़्यादा शनिदेव की पूजा यदि आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा।
अब इस समय में शनि के लिए आपने पूछा कि खराब ग्रह कौन से हैं, तो शनि का जिनके साथ विरोध है वो निश्चित तौर पे शनि की दशा में आपके लिए अनिष्टकारी हो सकते हैं, खासतौर पर सूर्यदेव और मंगलदेव। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री महादेव, शिव और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और जहां तक आपने पूछा कि ऐसे कौन से योग हैं जिसमें आपको आशीर्वाद लगेगा, तो ऐसा कोई विशेष तौर का योग नहीं होता है। जितने भी अच्छे राजयोग हैं उसमें हर तरीके के आशीर्वाद, हर तरीके के शुभ कार्य फलित होते हैं। तो ये जो आपके लिए परिस्थितियां बन रही हैं उसका लाभ लेने का प्रयास करिए। तो ये था आज का आपके सितारे। आचार्य जी मासिक बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।